उनका नेत्र मधुर है, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनका चाल मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। और आगे कहा जा रहा है, उनके शब्द मधुर हैं, उनके चरित्र मधुर हैं, उनका पोशाक मधुर है, उनका उदर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण करना मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं, उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पाँव के रज मधुर हैं, उनके हाथ मधुर हैं, उनके पाँव मधुर हैं, उनका नृत्य करना मधुर है, उनका मित्रता मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं, उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र मधुर हैं, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं, उनका तिलक मधुर है, उनके कार्य मधुर हैं, उनकी मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना मधुर है, उनकी जल क्रीड़ाएँ मधुर हैं, उनका अर्पित करना मधुर है, उनकी निरस्तब्धता तथा शांत रहना भी मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं, उनकी गुंजमाला मधुर है, उनकी फूल माला मधुर है, उनकी यमुना मधुर है, उनकी लहरें मधुर है, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं, उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता या व्यवहार मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं, उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके सेवक गण मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रौंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है। तो इस सॉन्ग में बहुत अच्छे तरीके से भगवान की सारी लीलाओं की, भगवान के सारा इसका वर्णन किया जाता है कि कैसे भगवान के द्वारा सारा क्रिएशन जो भी है सब कैसे मधुर है। और आज का जो ये श्लोक है वो भी कुछ इसी थीम पे आधारित है, अतः हमने ये वैष्णव सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो मैं ये आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय के 51 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे, और आपके सामने ये बोर्ड पर लिखा हुआ है और आप लोग मेरे सामने इसका उच्चारण कीजिएगा। और इससे पहले मैं आप सभी भक्तों का स्वागत करना चाहता हूँ जो भी आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आए हुए हैं, पधारे हुए हैं श्रवण करने के लिए, और जो भी वरिष्ठ वैष्णव हमारे सामने उपस्थित हैं यहाँ पर कक्षा में, उनसे मैं आशीर्वाद की याचना करना चाहूँगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस श्लोक पर कुछ भी बोलने का प्रयास कर पाऊँ आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और अपनी शुद्धिकरण के लिए। विशेष रूप से अमृत गौरव जी, गोलो गौरव जी, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँ। प्रसन्न गौरव जी, तो आप लोग इस मेरे पीछे इन श्लोक का उच्चारण कीजिएगा। आत्ममायां समावेश्व सो अहम गुणमयी द्विज सृजन छंतर हरविन छद्रस्ते सृजन रक्षण हरन विश्वाम दंग संगा क्रियोचिताम आत्ममाया समावेश्व सो अहम गुणमयी द्विज सृजन रक्षण हरन विश्वाम दग्रे संज्ञाम क्रियाचिताम आत्ममाया समाविश्य स अहम गुणमयी द्विज सृजन रक्षण हरन विश्वाम दग्ने संगान क्रियाचिताम। आपको कृपया साइड कीजिए। आत्ममाया समावेश्य सोऽहं गुणमयी द्विज सृजन संरक्षण हरन् विश्वाम् दक्षिण संज्ञां क्रिया उचिताम्
आत्ममाया समावेश साहम गुणमयी द्विजा सृजन विश्वं हरं रक्षन् दग्ध संज्ञां क्रिया उचितम् आत्ममाया समावेश साहम गुणमयी द्विजा सृजन रक्षन् हरं विश्वं दग्ध संज्ञां क्रिया उचितम् बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका शब्दार्थ और तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म माया अपनी शक्ति में समावेश प्रवेश करके स स्वयं अहम मैं गुणमयी प्रकृति गुणों से युक्त द्विजा हे द्विजात्मा दक्ष सृजन सृष्टि करते हुए रक्षण पालन करते हुए हरण संहार करते हुए विश्वम दृश्य जगत दग्र मैं उत्पन्न होता हूँ संज्ञाम नाम क्रिया उचितम क्रिया के अनुसार। तो इसका अर्थ पढ़ रहा हूं मैं। भगवान ने कहा हे दक्ष द्विज मैं आदि भगवान हूं किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन और संहार के लिए मैं अपनी अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूं और कार्य के विभिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। तो इसका मैं तात्पर्य पढ़ूंगा। भगवान ने प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है कि आप लोग इसका श्रवण कीजिए। जैसा कि भगवत गीता 7.5 में बताया गया है जीव भूत महाभाव यतम धारवते जगत यह सारा विश्व भगवान से निकली सकती है और वे परा तथा अपरा शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं। पराशक्ति जीवात्मा है जो परमेश्वर के भिन्न अंश है। अंश होने के नाते जीवात्माएं परमेश्वर से भिन्न नहीं है। उनसे निकली हुई शक्ति उनसे भिन्न नहीं है किंतु इस भौतिक जगत में वास्तविक क्रियाकलाप में प्रकृति के विभिन्न गुणों वाली तथा विभिन्न रूपों की शक्तियां जीवात्मा को प्रभावित करती है। कुल 84 लाख योनियां हैं। वही जीवात्मा प्रकृति के विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। इन जीवात्माओं के भिन्न भिन्न शरीर होते हैं किंतु सृष्टि के आदि काल में भगवान विष्णु अकेले थे। सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मा प्रकट हुए और संहार करने के लिए शिव। जहाँ तक संसार में आध्यात्मिक प्रवेश करने की बात है सभी जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश हैं किंतु विभिन्न भौतिक गुणों के आवरण में उनके नाम भिन्न भिन्न पड़ गए हैं। ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के गुण अवतार हैं और उनसे मिलकर विष्णु सतोगुण का भाल संभालते हैं। अतः विष्णु भी शिव तथा ब्रह्मा के समान गुण अवतार हैं। वस्तुतः विभिन्न नाम विभिन्न आदेशों के लिए हैं अन्यथा उनका मूल तो एक ही है। तो ये प्रभुपाद ने इस श्लोक में तात्पर्य दिया था। और बिफोर स्टार्टिंग हम प्रार्थना करना चाहेंगे गुरु परंपरा से आचार्यों से और भगवान से। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुत्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य नमोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं स्थातामितं तं सजीवं साग्रधृतं साग्रदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखामृताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्तं नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे ब्रज भानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्राय स्वभद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। और ये श्लोक को कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं इन श्लोकों को। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन एकत्रित होते हैं सुबह प्रातःकालीन 8 बजे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। और भागवतम की अनेक महिमा बताई गई है अनेक श्लोकों में, अनेक महिमा बताई गई है हर जगह भागवतम के। और ये बताया गया कि सारे पुराणों में जो ये भागवतम है ये सबसे उत्तम है। और जैसे ये भागवतम के श्रवण मात्र से ऐसा वर्णन आता है पुराणों में कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारा लाभ होगा, जो भी व्यक्ति श्रवण कर रहा है उसका तो लाभ होगा ही, लेकिन जो भी हमारे पितृगण हैं जो कि शरीर छोड़ चुके हैं और जो मतलब धराधाम पे नहीं है या किसी भी योनि में अलग योनि में प्राप्त किए हैं, या हम अपने कुल को भी इससे भागवतम के श्रवण करने से जो पुण्य लाभ करते हैं, जो भक्ति अर्जित करते हैं, उनका तरण तरण उनका भी होता है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कि ये कैसे होता है, ये अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखें, सपोज अगर हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, हम यहाँ पर अगर पैसे कमा रहे हैं और सपोज हमारे मदर फादर कहाँ पर है, यूएस में बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं तो वहां से जाकर के एटीएम से काट लेते हैं कि नहीं, पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम क्रेडिट करते हैं तो वहां से उनको मिल जाता है। वैसे अगर यहाँ पर हम भागवतम का श्रवण करेंगे, जो पुण्य लाभ हम करेंगे, तो इससे हम अपने माता पिता को और अपने मतलब सबको हम इसका पुण्य लाभ कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए भागवतम का। और भागवतम श्रवण करने से किनका फायदा होता है? भागवतम श्रवण करने से मुख्यतः 3 लोगों का फायदा होता है। पहला, जो भागवतम के वक्ता हैं, भागवतम बोल रहे हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं। दूसरा, जो श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया है या जो श्रवण कर रहे हैं। और वो स्थान, जिस स्थान पर भागवतम की चर्चा किया जाता है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। ये भागवतम की महिमा बताई गई है भागवतम में। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी से बोल रहे हैं कि हे उद्धव जी, जितना शुद्धिकरण या जितना पवित्रता भागवतम के श्रवण में या हमारी कथाओं के श्रवण से आती है, उतना और पवित्रता और उतना शुद्धिकरण और किसी माध्यम से नहीं होता है। और जैसा कि देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सामने उपस्थित होते हैं और पूछते हैं कि जो व्यक्ति जो कि जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु आने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। भागवतम की शुरुआत कहां से हुई है, इसी प्रश्न के जवाब में, इसी प्रश्न के उत्तर में भागवतम की व्याख्या किया गया। क्या प्रश्न था? कि जिस व्यक्ति का भी मृत्यु आने वाला है, जो व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, जिसकी मृत्यु निश्चित है जिसकी मृत्यु, उसको क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम अपने कंडीशन को देखें, अगर हम अपने स्थिति को देखें, तो हम सब में से कोई भी व्यक्ति यहां पर ऐसा उपस्थित नहीं है जो कि ये कह सकता है कि हाँ मैं हूं जिसकी मृत्यु नहीं आने वाली है तो मेरे लिए काम का नई चीज है। नहीं है ऐसा। हम सब के लिए ये कार्य काम का चीज है। और हम सबका ये प्रश्न होना चाहिए कि जिसकी मृत्यु आने वाली है उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज का भी यही प्रश्न था, परीक्षित महाराज का भी यही प्रश्न था कि जिसकी मृत्यु निश्चित है, जैसा कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है, तो क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और
बहुत व्याग्रता हो रही थी और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का जो शुरुआत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कहना कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र राम संति सहस्त्र स अपश्यताम आत्मतत्व गृहे सुगृह मेधिनाम, कि नॉर्मल आप ऐसे लोगों को जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, जिनको नहीं पता है कि मनुष्य का जीवन क्या करने के लिए मिला है, तो हे राजेंद्र, राजेंद्र मतलब राजाओं में इंद्र परीक्षित महाराज को यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके लिए कहने के लिए हजारों लाखों बात है। सुबह सुबह न्यूज पेपर आ जाएगा, न्यूज पेपर पूरा भरा रहेगा न्यूज से, ये इतने सारे न्यूज चैनल हैं आज तक, ये वो कल तक, और बहुत सारे न्यूज चैनल हैं पूरे सुबह से लेकर रात तक न्यूज भरी रहेगी उनमें। और जिनके पास जो जीवन के असली उद्देश्य जिनको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, उनके लिए क्या है, हजारों बात करने के लिए और बोलने के लिए है कि नहीं। लेकिन जिसको मृत्यु से बचना है, जिसको अभय प्राप्त करना है, उसके लिए क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य चताभय, कि तस्मात भारत सर्वात्मा, यहाँ पर भगवान के तीन गुणों का, तीन रूपों का वर्णन कर, तस्मात भारत सर्वात्मा, सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शताभय। हम अगर ये तीन कार्य का अगर हम कार्य करेंगे, इन तीन कार्यों को करने में हमारा अपना समय लगाएंगे, तब जाके क्या होगा, हम उस मृत्यु से बच सकते हैं और अभय प्राप्त कर सकते हैं, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रोतव्य भगवान के बारे में सुनना, श्रीमद् भागवतम का नित्यम नित्य रूप से श्रवण करना, कीर्तितव्य इसका कथन करना, जो श्रवण किए हैं उसका कथन करना, लोगों को बताना और स्मरण करना। अगर ये तीन कार्य करेंगे, पहला श्रवण करना, स्मरण करना और इसका कथन करना, लोगों को बताना, तो हम निश्चित रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन है, आयु रहती वह पुंसाम उद्दन अस्तन यन्न सौ तस्य अर्थ यह क्षणोनी तो उत्तम श्लोक वार्तया। क्या कह रहे हैं कि आयु रहती वह पुंसाम, कि उस मनुष्य का आयु एक दिन कम हो जाता है, उदर अस्तन यन्न सौ सूरज के उगने से और सूरज के ढलने से हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाता है कि नहीं, एक दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बट तस्य अर्थ यह क्षणों नितम उत्तम श्लोक वार्तया, लेकिन उस व्यक्ति का नहीं जो उत्तम श्लोक के वार्तया, जो कि भगवान के चर्चाओं में अपना समय बिता रहा है, उसका एक दिन कम नहीं होता है, यद्यपि बल्कि वो भगवान के एक दिन और करीब जाता है, भगवान के एक दिन और पास जाता है। नहीं तो सबका एक दिन 24 घंटा हमारे जीवन की आयु से कम हो जाती है, जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु निश्चित होती है। जिस समय कोई अगर 6 चीजें फिक्स होती है, उसमें जन्म मृत्यु दोनों फिक्स होती है, तो कितना समय हमें रहना, कितना श्वास लेना, सब फिक्स होता है। तो इस बहुमूल्य जो इस प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य बता रहे हैं कि कुल 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख में जो मनुष्य का योनि बहुत कीमती होता है, और मनुष्य का अगर योनि मिलने के बाद निश्चित रूप से समझदारी तो इसी में है कि अपना जो समय, नहीं तो देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, समय तो कट ही जाएगा, लेकिन अगर भगवान के कथाओं के चर्चा में, वार्ताओं को श्रवण करने में, मनन करने में लगाएंगे, तो एक दिन और भगवान के हम करीब जाएंगे। और यही भगवान के श्रवण कथाओं को श्रवण करने की उत्सुकता किस प्रकार होनी चाहिए, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 1वें अध्याय के 3वें श्लोक में, 3rd श्लोक में सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध कर रहे हैं परीक्षित महाराज, और कह रहे हैं, उनको कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं कि निर्वृत्त तरसे उपगीयमाना भव सदा मनोभिरामात यह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्जत बिना पशु ग्रणात। क्या कह रहे हैं कि निर्वृत्त तरसे उपगीयमाना भव औषधा स्रोत मनोभिरामात, कि जो भगवान की कथाएं हैं ये भव सागर के लिए एकमात्र औषधि हैं। क्या है, औषधि हैं, दवा है, मेडिसिन है। जैसे कोई रोग हो जाता है, ऐसे ही कोरोना करके बहुत ज्यादा ये बीमारी चल रहा है, तो इसके तरह तरह के बीमार लोग वो प्रयास कर रहे हैं कि इसे कोई ना कोई मेडिसिन लाए, औषधि लाए। वैसे ही हम सब जो कि भव सागर में फंसे हुए भव रोग से, भव रोग के रोगी हैं, सबको भव रोग नामक रोग हो रखा है।
आदत पड़ चुका है इस भवसागर में रहने का, निकलने की इच्छा ही नहीं करती है, बिल्कुल निकलने की इच्छा ही नहीं करती है। और ऐसा एक बीटी जी में आया हुआ था एक दिन कि वैसा जेल जिसे कैदी को प्रेम हो जाए, ये ऐसा जेल है भवसागर ना जिसमें कैदी जो हम सब हैं, हम सबको इस जेल से ही प्रेम हो गया है और यहां से निकलना ही नहीं चाहते हैं। और अलग अलग तरह की बेड़ियां हैं, जैसे किसी को लोहे की बेड़ी में बांधा गया है, किसी को चांदी के बेड़ी में, किसी को सोने की बेड़ी में बांधा गया है। अगर मान लीजिए सपोज ऊपर लोगों में जाते हैं, स्वर्ग आदि लोगों में, तो क्या है वो सोने के बेड़ी है, सब कुछ ऐसो आराम से मिल रहा है, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है ना। भवसागर में तो सब लोग फंसे हुए, और उस भवसागर से निकलने का क्या उपाय है? तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भवसागर को निकलने का जो औषधि है वो भगवान की कथाएं हैं। कैसे है? भवसागर के लिए औषधि है और मन भी रामार, और मन को आनंद प्रदान करने वाला है, मन को बहुत ही क्या है, मन को भाने वाला है, मन को आनंद प्रदान करने वाला भगवान का है। और किसका? जो भी इसमें बता रहे हैं कि पुमान विरजते बिना पशु ग्रंथ कहो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, तो भगवान के ऐसे कथाओं में किसकी रुचि नहीं आती है जो कि अपने आत्मा का हनन करने वाला है, जो ये नहीं जानता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे ही चल रहा है कि जिस वजह से हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, वैसे ही जो कि नहीं जानता है ना कि जीवन का क्या लक्ष्य उद्देश्य है, उसके लिए वो व्यक्ति बिना पशु घृणाथ, बिल्कुल जिसको बूचर से तुलना किया गया, एक कसाई से तुलना किया गया है, वही इन कथाओं में रुचि नहीं लेगा, अन्यथा हर प्रकार के लोगों को इन कथाओं में रुचि आएगा। और मनुष्य का जो देह मिला होता है, भगवान समझा रहे हैं उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में कि देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्तोरेतिम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मा। इसमें प्रभुपाद जी आज के पर्वत में भी यही सब बताना चाह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कैसे हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और पूरे प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। मैं आगे आज के क्लास में बताऊंगा कैसे क्रिएशन होता है, कैसे जीव होते हैं, कैसे आत्मा परमात्मा कैसे होते हैं, अलग अलग गुण कैसे उत्पन्न होते हैं और गुण अवतार कैसे होते हैं। तो बता रहे हैं कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, कि जो नृदेह होता है, जो मनुष्य का योनि होता है, मनुष्य का देह होता है ना, सुलभम सुदूर दुर्लभम, वो बहुत दुर्लभ होता है। सुदुर्लभम, दुर्लभ मतलब रेयर, जो बहुत कम पाया जाए, और यहां पर सु उपसर्ग लगाया गया है कि सुदुर्लभम। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, आज के तात्पर्य जिसमें मात्र 4 लाख मनुष्य की योनियां होती हैं, तो बहुत दुर्लभ है। सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और जो जो मनुष्य का शरीर है इसकी तुलना किया गया है एक अनुकूल नाव से, बिल्कुल परफेक्ट नाव से तुलना किया गया है, बोट से, स्टीमर से तुलना किया, एक तरह से कह सकते हैं। और जो प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनकी एक परफेक्ट नाविक से तुलना किया गया है, कैप्टन से तुलना किया गया है, कि जैसे कोई बोट है, स्टीमर है, उसका परफेक्ट हमें नाविक मिल गया है, उसका जो कैप्टन मिल गया है, जो गुरु है। और जो ये शास्त्र वगैरह हैं, ये अनुकूल हवाएं हैं। श्रीमद् भागवतम जैसे कि रोज प्रतिदिन हम आते हैं, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता है और जो भी पुराण है, ये क्या है? अनुकूल हवा है। देखिए, भवसागर को पार करना है, हमारे पास मनुष्य के शरीर रूपी एक अच्छा नाव मिल गया है, प्रभुपाद जैसे आचार्य रूपी एक अच्छा कैप्टन मिल गया है, और ग्रंथ रूपी अच्छी हवाएं, मतलब जिधर जाना है उधर ही, अगर जिधर जाना, अगर उधर की तरफ ही हवाएं चल रही हो तो जाना आसान हो जाता है। ग्रंथ मिल गए हैं जो कि हवाओं के जैसे हैं, लेकिन पुमान विरजते, अगर ऐसे सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम भवसागर को नहीं तर पाए ना, भवसागर को पार नहीं किए, तो उसको क्या कहा गया है? आत्महनन करने वाला कहा गया, कि उस व्यक्ति ने अपने आत्मा का हनन कर लिया पुमान विरजते बिना पशु घृणाथ। उसको कहा जाता है कि इस व्यक्ति को सब कुछ अनुकूल मिलने के बाद भी ये पार नहीं की, इसने अपने आत्मा का हनन कर लिया, तो अपने आत्मा का हमें हनन नहीं करना चाहिए। और भगवान की ऐसी कथाओं में रुचि लेकर के जन्म मृत्यु के इस सागर को निश्चित रूप से पार करना चाहिए, पार निकलना चाहिए। तो आज के इस तात्पर्य में, इस श्लोक में जैसे कह रहे हैं कि कार्य के विभिन्न कोठियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम है, और अलग अलग कार्य करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो जैसे कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में कह रहे हैं कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय
तम भवाम युगे युगे, कि अलग अलग युग में अवतार लेते हैं क्या करने के लिए, तीन कार्य करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का जो आपके जैसे भक्त हैं उनका परित्राण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं, होते हैं कई सारे दुष्ट लोग, जैसे ये जो कि धर्म प्रचार करने में बाधा डालते हैं, आदि काल में बहुत सारे दुष्ट हुए हैं, तो उनका नाश करने के लिए, धर्म का पुनः स्थापना करने के लिए। और यहाँ पर भगवान ये शब्द बोल रहे हैं कि उनके कार्य के कोटियों के अनुसार उनके, भगवान बोल रहे हैं मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। और ये भगवान को जो ये नाम होते हैं ना, बहुत पसंद होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। जैसे कि भगवान के कौन कौन नाम है जो उनके भक्तों के पर आधारित हैं या उनके कार्यकलाप के आधारित हैं, कार्यकलाप पर आधारित हैं, जैसे आप लोग बोलिए। राधा पार्थसारथी, वेरी नाइस, राधा पार्थसारथी। जैसे अर्जुन पार्थसारथी, कि कैसे भगवान अर्जुन पार्थ के साथी बन गए, तो ऐसे नाम भगवान को बहुत प्रिय हैं। और यशोदा नंदन, कि जो माता यशोदा के नंदन हैं, पुत्र हैं। और माखन चोर, हाँ, अब दूसरे को जैसे देखने में लग सकता है कि यार कैसा नाम, ये चोर लगा रहे हैं, लेकिन भगवान को ऐसे नाम बहुत प्रिय होते हैं। कैसे माखन चोर अपने अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए जाते थे और गोपियों के घर, और वो माखन का चुराया करते थे। नवनीत तस्कर, नवनीत तस्कर रोज नए नए घर जाकर के नए नए मक्खन का चोरी, नीत मतलब उसका कहते हैं, हाँ, नए नए मक्खन चुराया करते थे। तो ये जो नाम है भगवान के, भगवान के विभिन्न कार्यकलाप पर आधारित है। हाँ, नवनीत मक्खन, ताजे ताजे मक्खन भगवान चुराया करते थे। और कंस निसूदन, क्यों भगवान ने कंस का वध किया, केसी राक्षस को मारा, इसलिए उनका केसी घातन ऐसे करके नाम है। नंद नंदन, उनके पिताजी के नाम के, अपने भक्तों के नाम के आधार पे जो भगवान का नाम होता है ना, वो भगवान को बहुत प्रिय नाम है, बहुत प्रिय होता है वो नाम। और अगर इन नामों के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, गोविंद गोपाल ऐसे करके, अगर जैसे वृंदावन में अगर मंगला आरती करेंगे तो भगवान के सारे नाम होते हैं, तो उन वो नाम भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान को भी अच्छा लगते हैं और भक्तों को भी बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं भगवान। तो इसमें भगवान के विभिन्न शक्तियों की चर्चा किया गया है। तो मैं एक बार एक झलक के रूप में आप लोगों को बताना चाहूँगा क्रिएशन के बारे में, कि कैसे हम जीव तत्व हैं, कैसे भगवान इसका पालन पोषण करते हैं, किन किन अवतारों में। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, नंद नंदन यशोदा नंदन, वो गोलोक धाम में रहते हैं। जैसे कहते हैं कि सब कुछ क्रिएशन से पहले अकेला मैं था। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आज के तरह तात्पर्य में बता रहे हैं कि आदि में जब कुछ भी नहीं था बिल्कुल, तो मैं था, मतलब भगवान थे। तो भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी अतरंगा शक्ति, अहलादिनी शक्ति का विकास करते हैं श्रीमद राधा रानी का, और अपनी सेवा करने के लिए श्री बलराम जी का एक्सपेंशन करते हैं। फिर राधा रानी अन्य अन्य गोपियों के रूप में विस्तार करती हैं, और अन्य लक्ष्मियों के रूप में वैकुंठ जगत में विस्तार करती हैं। और जो बलराम होते हैं वो अनंत को भी विष्णु तत्व के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं। बलराम से बलदेव संकर्षण उत्पन्न होते हैं, संकर्षण से प्रथम चतुर्व्यूह अनुरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण और वासुदेव उत्पन्न होते हैं, और उन द्वितीय संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, नारायण उत्पन्न होते हैं, जिससे पुनः अनुरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण और वासुदेव उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से भगवान के द्वितीय चतुर्व्यूह होते हैं, उसमें जो संकर्षण होते हैं उनसे फिर महाविष्णु का सृजन होता है। और भगवान अनंत कोटि जीव तत्वों का भी, जीवों का भी अपने से सृजन करते हैं। क्यों? अपने भोग के लिए। एकमात्र जो भोगता है वो कृष्ण है, और हम लोग कौन है, जीव तत्व कौन है, हम भोग्य हैं, मतलब भोग्य भगवान के लिए भोगे जाने लायक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोक्ता को ज्यादा आनंद आता है, भोग्य को भी, भोग्य को कहा जाता है कि भोक्ता से भी ज्यादा आनंद आता है। कैसे? सपोज घर में अगर कोई पति पत्नी है, परिवार है,
अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए अच्छे से भोजन बना रही है, अच्छे से उसका पालन कर रही है, तो पति भी उसका पालन अच्छे से करता है। अगर पत्नी को सुख करने के लिए पत्नी सब कुछ कर रही है, तो निश्चित रूप से उसमें पत्नी को भी आनंद प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पति को आनंद प्राप्त होगा, दोनों उससे आनंदित रहेंगे। वैसे जो हम लोग हैं, जीव तत्व हैं, भगवान ने हमारा सृजन किया है अपने आनंद प्रदान करने के लिए, कि अगर हम भगवान को आनंद प्रदान करेंगे तो ही हम सुखी रह सकते हैं, हम संतुष्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर उन संकर्षण से महाविष्णु का सृजन होता है, और महाविष्णु से फिर गर्भोदक साई विष्णु। महाविष्णु पूरे जो भी जीवात्माएं, हमारे जैसे जीवात्माएं, जो कि भगवान आध्यात्मिक जगत में हमारा सृजन हुआ था, लेकिन अगर भगवान से अलग होकर के अगर हम भोगने की इच्छा करते हैं, तारे निकष्ट रे माया जापोटिया धरे, कि जो ही हम ये इच्छा करते हैं कि कृष्ण से भूल करके भोग वांछा करे, कि मैं स्वतंत्र होकर भोगता बनना चाहता हूं, भोग करूंगा, बगल में ही माया रहती है, तुरंत झपट्टा मारती है और हम चट से भौतिक जगत में यहां पर आते हैं। तो क्योंकि हम स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं, इसके लिए भौतिक जगत का सृजन किया जाता है। भौतिक जगत का सृजन कैसे किया जाता है? महाविष्णु से गर्भोदक साई विष्णु का उत्पत्ति होती है, और गर्भोदक साई विष्णु के गर्भ से कमल का होता है, कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। और ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, महाविष्णु जिनको कारण सागर में शयन करने के लिए, उनका नाम कारण से विष्णु भी है, तो जो कारण सागर के जल में शयन करते हैं, उनके नाभि से जब श्वास छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु होते हैं, और उस ब्रह्मांड पे दृष्टिपात करने से उसको प्रेग्नेंट करते हैं, और उसके बाद प्रत्येक उसमें जो गर्भोदक साई विष्णु होते हैं, गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी का सृजन होता है, और ब्रह्मा जी फिर दूसरा क्रिएशन, पहला सर्ग जो कि भगवान के द्वारा होता है, दूसरा होता है विसर्ग, जो कि ब्रह्मा जी के क्रिएशन को विसर्ग कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ही फिर क्रिएशन करना चालू करते हैं। क्यों किया जाता है? इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड की संरचना करने का एकमात्र उद्देश्य होता है क्या, कि हमारे जैसे जीवों को मौका दिया जाए, जो कि स्वतंत्र होकर भोगना चाहते थे, मौका दिया जाए कि वो स्वतंत्र होकर के भोग ले, और भोगने के बाद ये समझ पाए कि ना जी स्वतंत्र होकर हमारे बस की बात नहीं भोगना, और फिर भगवान को सरेंडर करके और वापस जा पाए। बस एकमात्र इसके लिए भौतिक जगत का सृजन किया जाता है। तो ये जो कमल की जो नाल है, उस नाल जो उसकी जो चौड़ाई है, अगर व्यास उसको कहा जाए डायमीटर, 50 करोड़ मील है, और उसी में इस भौतिक जगत का जो भौतिक जगत नहीं, हमारे ब्रह्मांड का जो पूरे 14 प्लेनेट सिस्टम है, उनका सृजन ब्रह्मा जी करते हैं, विसर्ग जो कर रहे हैं। 50 करोड़ योजन इसकी चौड़ाई है हमारे इस ब्रह्मांड का। तो ये श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में इसका वर्णन आता है, जो पूरा क्रिएशन बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उसमें। तो इस तरह से फिर जीवात्माओं को यहाँ पर लाया जाता है, और अलग अलग गुणों के अनुसार फिर अलग अलग योनियों में हम जाते हैं। किस तरह से? अलग अलग गुणों के अनुसार हमें अलग अलग योनियां लेनी पड़ती है। जैसे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के पहले श्लोक में पढ़ा था, जंतु देहो उपपत्तये प्रविष्टा स्त्रियम उदरम जंतु देहो उपपत्तये, कि अलग अलग गुणों के अनुसार देवताओं के अधीक्षण में अलग अलग योनियों में अलग अलग माताओं के गर्भ में हमें प्रविष्ट किया जाता है, ताकि अलग अलग गुणों का सृजन क्यों किया जाता है, क्योंकि हम अलग अलग अपनी इच्छाओं को भोग सके। और यहाँ पर भौतिक जगत में सृजन किया जाता है, किसका सृजन किया जाता है? मिथ्या अहंकार का। और मिथ्या अहंकार का जो विसर्ग का पहला क्रिएशन मिथ्या अहंकार का क्रिएशन है, और मिथ्या अहंकार का जब क्रिएशन ब्रह्मा जी कर रहे थे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको बहुत दुख हो रहा था मिथ्या अहंकार का सृजन करते हुए। क्यों? क्योंकि मिथ्या जो भगवान की जो ये शक्ति है, जो महामाया, इसके मिले थी दो जो शक्ति है, और अनात्मिका शक्ति और प्रत्यक्ष आत्मिका शक्ति। प्रत्यक्ष आत्मिका शक्ति के
के अंतर्गत ही जीवात्माओं की भौतिक जगत में प्रक्षेपण किया जाता है, लाया जाता है, और आवरणात्मिका शक्ति जिनके अनुसार एक आवरण बना दिया जाता है हमारे ऊपर कि नहीं मेरा नाम क्या है, अमरेंद्र है, और मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, इस जगह का मेरा ये क्वालिफिकेशन है, इस मतलब सब कुछ से अपनी भगवान से अपनी संबंध को भूल करके इस भौतिक जगत से अपना संबंध स्थापित करने करते हम क्यों हैं, और अवर्णात्मिका शक्ति के कारण जो कि मिथ्या अहंकार के ऊपर कार्य किया जाता है। मिथ्या अहंकार के कारण ही भगवान से हम असली अपना संबंध भूल करके इस भौतिक जगत से अपना संबंध हम वो कर लेते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी का क्रिएशन किया जाता है सृष्टि का करने के लिए, रजोगुण के यहाँ पर बताया गया आज के श्लोक के तात्पर्य में कि ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के गुणा अवतार हैं और उनसे मिलकर विष्णु सतोगुण का कार्य संभालते हैं, अतः विष्णु भी शिव तथा ब्रह्मा के समान गुण अवतार हैं। तो इस तरीके से शिव जी की उत्पत्ति की जाती है जो कि ब्रह्मा जी के भृगुट से उत्पन्न होते हैं इस जगत का विनाश करने के लिए, और जो भगवान होते हैं इसको मेंटेन करते हैं। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सब ये तीनों ही अगर गुणा अवतार हैं, कौन कौन, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, तीनों गुणा अवतार हैं इसमें लिखा हुआ है, तो फिर इन इन तीनों में से किसी का भी पूजा किया जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, प्रश्न उठता है ना जी, कि अगर ये तीनों ही गुणा अवतार हैं जो कि तीनों ही उसमें वो हैं, तो इसमें स्पेसिफिक रूप से आज के श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो विष्णु है वो सर्वश्रेष्ठ है इन तीनों में, गुणा अवतार तो है लेकिन विष्णु श्रेष्ठ है। तो इसी के ऊपर एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 89th चैप्टर में कि एक बार बहुत सारे ऋषियों का एक समूह इकट्ठा होता है, सम्मेलन होता है, मीटिंग होता है, जैसे आज के सम्मेलन में धर्म सम्मेलन होता है काशी जैसे क्षेत्रों में, कवि सम्मेलन होता है अलग अलग जगह पे, और जैसे मायापुर में बहुत सारे कीर्तनी लोगों का सम्मेलन होता है, कीर्तन मेला वगैरह निकलता है, वैसे ही सम्मेलन हुआ था। और सम्मेलन का एजेंडा क्या था, टॉपिक क्या था कि भाई इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे इस ब्रह्मांड के तथा कथित ऑर्गेनाइजर हैं, मतलब मिनिस्टर लोग हैं अलग अलग, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, सूर्य हैं, शनि हैं, कौन सबसे श्रेष्ठ हैं, किनकी पूजा किया जाए, किनके शरण में जाया जाए। सोमवार को भाई शिव जी के लिए जल दिया जाए, मंगलवार को हनुमान जी के लिए पूजा किया जाए, बुधवार को सरस्वती जी के लिए, बृहस्पतिवार को आजकल साई बाबा का मार्केट वैल्यू हाई चल रहा है, साई बाबा के शरण में जाया जाए, शुक्रवार को संतोषी माता का, शनिवार को वो शनि देव ने अपना वो कर रखा है, रविवार को सूर्य देव की पूजा किया जाए। तो सारे सातों के सातों दिन तो अपना बुक कर रखा है सबने, और ऊपर से शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी, आखिर कौन श्रेष्ठ है, किनके पास जाए। और सबसे बड़ी जो दुर्गा देवी है माता रानी, मतलब वो तो आठों दिन उनके शरण में जाए, उनके लिए बुक किया गया है, नवरात्रे 10 दिन जो होता है दुर्गा पूजा, और ये रामनवमी के पहले 10 दिन वो बुक किए गए हैं, तो सबने अपने अपने बुक कर रखे, तो कौन सर्वश्रेष्ठ है, किनकी शरण में जाया जाए, ये एजेंडा था, मीटिंग होता है, और बहुत सारे हर तरह के राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि वहां पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो इसके बाद जब ये निर्णय नहीं हो पाया कि फिक्स रूप से किसी का कुछ मत था, किसी का कुछ मत था, और देखिए अलग अलग मत से तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायम महाजनयेन गतोस्सपन्था, कि अगर ये करने से मतलब ये नहीं, धर्म के तत्व पे नहीं पहुंचा जा सकता है, तो फिर सबने मिल करके एक चीज बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि जो भी निकल के आएगा भी हम सब लोग सर्वसहमति से मान लेंगे कि भाई ये श्रेष्ठ हैं। ठीक है जी, अब एक्सपेरिमेंट परीक्षण करें तो कौन करे, तो उनमें एक भृगु ऋषि थे, तो भृगु ऋषि को चुना गया कि ठीक है जी भृगु ऋषि एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है जा करके। तो मेनली वोटिंग में सबसे ज्यादा तीन लोगों के वोट थे, तीन लोगों के नाम थे, किनके, ब्रह्मा जी के, शिव जी के और विष्णु जी के, ये सब ज्यादातर लोग इनकी बात कर रहे थे कि हाँ ये श्रेष्ठ हैं। तो अब होता है कि ठीक है जी इन तीनों की जा करके परीक्षण किया जाए, तो परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम जो भृगु ऋषि होते हैं जाते हैं अपने पिताजी के पास अर्थात ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं,
और ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको देख करके बहुत खुश होते हैं कि ओह मेरा पुत्र आया है। लेकिन ब्रह्मा जी के पास जाकर के चुपचाप खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ठीक है, बड़ा दिन बाद आया है, दंड प्रणाम तो करेगा ना, कहेगा पिताजी प्रणाम, ये हरे कृष्ण, कुछ बोलेगा, पैर छुएगा। होता है ऐसा, होता है नॉर्मली किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो बड़ा व्यक्ति के मन में एक वो होती है कि हाँ छोटा व्यक्ति कोई आया, अगर गुरु के पास अगर कोई शिष्य आया है तो ये कर्तव्य बनता भी है कि शिष्य प्रणाम करे। गुरु भी सोचता है कि हाँ आप प्रणाम करेगा, कोई सीनियर व्यक्ति सोचता है प्रणाम करेगा, लेकिन जाके चुपचाप खड़े हैं वहां पर। ब्रह्मा जी सोच रहे अब प्रणाम करेगा, अब प्रणाम करेगा, अब प्रणाम करेगा, कुछ कर ही नहीं रहे। तो ब्रह्मा जी को लगा यार इतने साल तक मैं इसको पढ़ाया समझाया, सारे ज्ञान दिया, सारे वेद पढ़ाया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो, और मतलब कोई सारा एटिकेट भूल गया, इतना तक नहीं पता कि भाई आए हैं, मैं इनके पिताजी हूँ, गुरु भी हूँ, तो दंड प्रणाम कुछ करें, मतलब कोई एटिकेट नहीं है। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, बताओ कुछ कर ही नहीं रहा है। तो तुरंत वो श्राप देने के लिए निहित हो गए, वो बिल्कुल श्राप देना चाहे, तब तक उनकी बगल में पत्नी उनकी सावित्री बैठी हुई थी, सरस्वती जी मना दी, अरे छोड़ दीजिए आपका बेटा, ये अपना बेटा कुछ गलत कर देता है, तो ऐसा थोड़ा ना कि बेटे के मतलब कान के नीचे बजा दिए, कुछ श्राप दे दिए, उसको कुछ कर दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मान जाइए तो मान गए, ठीक है, क्रोध तो आया बट मन में ही सह लिए। तो ये जो उन्होंने ब्रह्मा जी के खिलाफ जो अपराध किया था उसको क्या कहते हैं, मानसिक अपराध। उन्होंने मन से अपराध किया था प्रणाम नहीं करके, दंड प्रणाम नहीं करके। तो भृगु को, ऋषि को समझ आ जाता है भृगु मुनि को कि देखो निश्चित रूप से मैं अपराध किया, लेकिन इनको क्रोध आ गया था। वहां से बाद इसके बाद फिर प्रणाम वणाम करके जाते हैं दोबारा वो टेस्ट करने के लिए, किसके पास, शिव जी के पास, हर हर महादेव। तो शिव जी के पास जाते हैं तो वहां पर जा करके तो शिव जी देखते हैं ओह अब ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो भाई हुए कि मेरा भाई आया हुआ है, बहुत दिनों बाद मिलने आए हुए हैं, और भाई भी और बहुत बड़े ऋषि भी हैं, महर्षि भी हैं भृगु ऋषि। तो बोलते हैं कि भाई ऋषि मतलब बहुत पुण्य इकट्ठा होता है, तो ऋषि संत महात्माओं का दर्शन होता है। तो ये मानस में विभीषण उनको देख करके बोलते हैं हनुमान जी को कि बहुत पुण्य के हिसाब से अगर जो पुण्य बहुत इकट्ठा होता है तो किसी संत का दर्शन होता है, तो उनको आइए आइए गले लगाइए, गले लगने के लिए बिल्कुल उत्सुक होते हैं, खड़े होते हैं कि आइए आलिंगन किए, बहुत दिन बाद आए, कैसे आना हुआ। और वो देखते बोलते हैं कि ओह दूर रहो, तुमसे मैं गले लगूंगा, निकृष्ट व्यक्ति, बिल्कुल शरीर में भस्म लगा के रखते हो, कोई एटिकेट ही नहीं है, और ये नंगे धड़ंग रहते हो, और सांप लपेट रखा है जहां तहां शरीर पे, कौन तुमसे गला मिलेगा, कौन, मतलब कोई एटिकेट ही नहीं है। इस तरीके से शिव जी को लगा रही है, ऐसा बोल रहे कि भस्म लपेट करके रखते, मतलब मुझे साधारण समझ रखा है, हल्की बजे रहे। तुरंत शिव जी को भी गुस्सा आ जाता है और तुरंत अपना त्रिशूल लेके मारने को उद्धृत होते हैं बिल्कुल। तब तक उनके बगल में पार्वती माता बैठी रहती है जो कि तीनों गुणों को कंट्रोलिंग करती है। पार्वती देवी जो है दुर्गा देवी, उनके उनमें जो तीनों गुण है ना, एकमात्र ऐसी मतलब पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन है जिसमें 33 33 33 तीनों गुण बराबर मात्रा में, तीनों गुणों की कंट्रोलिंग जो डिटीज हैं बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। तो तुरंत ही अपने पति के चरणों पर गिर जाती है, अरे माफ कर दीजिए, इतने बड़े संत हैं और ब्राह्मण है, ब्राह्मण को थोड़ी ना सजा दिया जाता है, संत ऋषि महर्षि को थोड़ी ना सजा दिया जाता है, और ऊपर से आपके भाई हैं, छोटे भाई हैं, अगर कुछ गलती कर दिए तो क्षमा कर दीजिए, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे को माफ करना। तो इस तरीके से शिव जी को मना लेती है पैर पे उनके गिर करके। इसके बाद फिर वो मिलते हैं उनसे, लेकिन मन में वो तो टेस्ट करने आए होते हैं, और समझ में आ जाता है कि देखो मैं इनके प्रति जो अपराध किया था वो कैसे था, वाचिक, पहला था मानसिक और दूसरा था वाचिक, अपने वचन से अपराध करते हैं उल्टा सीधा बोल करके उनको। तो समझ में आ जाता है देखो ये मेरे पे गुस्सा हो गए थे, और जब गुस्सा आ जा रहा है मतलब ये तो भगवान नहीं हो सकते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये तो नहीं हो सकते हैं। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किस पे किया जा रहा था, भगवान विष्णु पे। तो विष्णु के पास जाते हैं, कहां वर्णन आता है कि गर्भोदक सागर में जाते हैं, गर्भोदक सागर के तट पे जाते हैं, और वहां पर जाकर देखते हैं तो जो विष्णु हैं वो अनंत शेष पर अपने योग निद्रा में लेटे हुए हैं, और माता लक्ष्मी जो है उनके पाद सेवनम चरण दबा रही हैं। तो वहां पर जाते हैं, पहुंचते हैं भृगु ऋषि, और भृगु ऋषि जा करके यहाँ पर जो अपराध करते हैं वो कैसे, शारीरिक अपराध करते हैं, और जा करके जोर से उनके हृदय में अपने पाद आघात करते हैं, पैर स्पर्श कराते हैं,
कहीं पर वर्णन आता है, मतलब भगवान तो ऐसे कर रहे, मतलब वर्णन आता है कि पैर से भगवान को स्पर्श करते हैं, और कहीं वर्णन आता है कि पैर से भगवान को एक तरह से मारते हैं, जो भी कह सकते हैं, मतलब स्पर्श भी करते हैं मगर भगवान के वक्ष स्थल को, भगवान के छाती पर अपना पैर से स्पर्श करते हैं, और भगवान को तुरंत ही आंख भगवान का खुल जाता है, और भगवान का आंख खुलते ही भगवान क्या करते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं, चरण पकड़ के तुरंत भगवान उनसे माफी मांगने लगते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे से तीन अपराध हो गए, मेरे से बहुत अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? कि आप यहां पर आए और मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। बताओ मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं कैसे, मतलब बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, मैं अपना कर्तव्य भूल रखा हूं कि आपके जैसे महान संत शिरोमणि, महान ऋषि, हमारे महान ब्राह्मण, महान द्विज हमारे घर पे आए हैं, हमारे यहाँ पर आए हैं, और मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, और कृपा करके माफ कर दीजिए। और कहते हैं दूसरा कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, आपका जो ये कोमल पैर है, कोमल जो चरण है, और चरण को मसाज करने लगते हैं, दबाने लगते हैं कोमल अपने हस्त कमल से भगवान, और कहते हैं ये कोमल आपके चरण कमल को, और मेरा वज्र जैसा कठोर वक्ष स्थल पर आपने इसका वो किया, स्पर्श किया, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गया होगा, आपने मेरे छाती पर मारा, मेरे को मेरे वक्षस्थल पर, मेरा वक्षस्थल कैसा है, वज्र जैसा कठोर है, आपके चरण कमल कैसे हैं, कमल जैसे मुलायम हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं चोट लग गया, आपको मुझे माफ कर दीजिए। और तीसरा उनसे विनती करते हैं कि अब आपके आने से मेरा ये स्थान पवित्र हो गया है, और आपके जो कि आपने मेरे वक्ष स्थल पर अपना चरण स्पर्श किया है, मेरा वक्ष स्थल पवित्र हो गया है, और जैसे भगवान के हृदय में हमेशा कहते हैं भगवान की जो मेरी पत्नी है चंचला लक्ष्मी, जो बहुत चंचल है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि आपके चरण कमल के स्पर्श करने से मेरा वक्ष स्थल पवित्र हो गया है, तो यहां पर चंचला लक्ष्मी सदा वास करेगी, क्योंकि ये शुद्ध हो गया है, और शुद्ध जगह पे लक्ष्मी वास करती है। जब ऐसे बात बोलने लगे जब उनसे भृगु ऋषि से, तो भृगु ऋषि मतलब हाथ जोड़ लिए, और बिल्कुल उनकी वाणी बिल्कुल गदगद वाक्यों से अवरुद्ध हो गई, उनके नेत्रों से मूसलाधार वर्षा प्रवाहित होने लगा, अश्रुपात होने लगा, कुछ नहीं बोल पाए, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला, भगवान के ऐसे दिव्य आचरण को देख करके। तो ये भगवान का आचरण है, और ऐसे आचरण को देख करके लग गया कि देखिए, जो कि ज्यादातर लोगों का यही मत था कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनको ही पता था कि भगवान श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी जन कल्याण के लिए, लोगों के सामने इस चीज को स्थापित करने के लिए कि आने वाले समय में कोई ये प्रश्न नहीं कर पाए, उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके बाद फिर भृगु ऋषि बस कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, और बस भगवान के चरणों पर गिर करके उनसे माफी मांगते हैं, और भगवान उनका बहुत गुणगान करते हैं, और ये भी भृगु ऋषि भी भगवान का बहुत गुणगान करते हैं, और गुणगान करने के बाद फिर वहां से पहुंचते हैं, अपना रिजल्ट लेकर के एक्सपेरिमेंट करते थे पहले लैब में, तो रिजल्ट आता, चेक कराते थे ना जी, तो जा करके बताते हैं कि देखो मैं तीनों के पास गया था, ऐसे ऐसे कार्य किया, पहले व्यक्ति के पास जा करके मैं मानसिक रूप से अधिक अपराध किया ब्रह्मा जी के खिलाफ, उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, शिव जी के पास मैं गया और वाचिक मतलब मुंह से बोल करके अपराध किया, उन्होंने ऐसा रीट किया, और जो तीसरा जो पहला जो अपराध था वो गुणोत्तर, दूसरा गुणोत्तर, तीसरा गुणोत्तम, मतलब सबसे ज्यादा हैवी अपराध किया, शारीरिक अपराध किया भगवान विष्णु के प्रति, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा रिएक्ट किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व में स्थित होकर के पूर्ण रूप से यहाँ पर वो लिख भी रहे हैं कि जो भगवान विष्णु हैं वो सत्वगुण को का भार संभालते हैं, पूर्ण रूप से सत्वगुण में, या कह सकते हैं कि शुद्ध सत्व में भगवान हमेशा स्थित रहते हैं।
तो इस बात का ये जो कहानी है, ये जो कथा है, इस बात का प्रमाण है, क्योंकि उदाहरण मतलब कई सारे प्रमाण है शास्त्रों में, ऐसा नहीं है एक है, लेकिन इन हजारों लाखों प्रमाणों में से एक प्रमाण ये भी है जिसमें भगवान की भगवत्ता को, भगवान विष्णु के उसको महिमा को स्थापित किया गया है। और नारद मुनि भी श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में प्रचेताओं के समक्ष इसको उद्धृत कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि यथा तरो मूल निसेचने न तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्यतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतज्ञा। क्या कह रहे हैं कि यथा तरोर मूल निसेचने न, कि जिस प्रकार से अगर किसी वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं तो अलग से तना में, फल में, पत्तियों में, टहनियों में, पत्तियों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार अगर मुख में या पेट में अगर उदर में भोजन पहुंचा रहे हैं तो अलग से हाथ, पैर, गला, मुंह, नाक, कान, आंख, इसमें भोजन डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ मुंह में डाल दें तो चलो आंख में भी डाल दें, कान में भी कुछ एक आध रोटी का टुकड़ा डालिए कि चावल दाल थोड़ा नाक में डाल लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। पेट में डालने से सारे इंद्रियों को तुष्टि मिल जाती है। वैसे ही तथैव सर्व अहरणम अच्युतेज्ञा, तम अच्युत की शरण में जाते हैं, भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, भगवान विष्णु का अगर हम आराधना करते हैं तो सारे देवी देवता स्वयं ही वो हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और स्वयं को जाते। तो इस वजह से हमें भगवान का ये भगवान के शरण में जाना चाहिए और भगवान विष्णु के जम शरण में जाएंगे तो ही हम भव सागर से पार कर सकते हैं। और ये जो भगवान बता रहे हैं कि मेरी गुणों के अंदर है परा और अपरा प्रकृति, जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति को तभी पार कर पाएगा, भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता के सातवें अध्याय के छठवें श्लोक में, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्या मान एव ये प्रपद्यन्ते माया एतान्तरन्ति ते, कि अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते तो माया एतान्तरन्ति ते, तो हम माया को पार करके भगवत जाम जा सकते हैं। और भगवान की शरण में कैसे जाया जाता है, भगवान का कथा का श्रवण करके, भगवान का जो हरि नाम है, भगवान का नाम है उसको लेकर के और भक्तों का संग करके। और ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, भगवान की शरण में जा पाएंगे और हम माया से पार करके भगवत धाम जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।